हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स इन ट्रांजिट। तो मैं हूं चेतन चौहान और आज हम निकल पड़े हैं लेंस डाउन की ओर, जो कि उत्तराखंड में है। दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 7-7.5 घंटे की का डिस्टेंस है। बट क्योंकि हम रात को निकले तो हमने मेरठ में हॉल्ट ले लिया, पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, मेरठ में रुके रात को और फिर सुबह सुबह हम रवाना हो गए लेंस डाउन के लिए। तो चलिए महादेव का नाम लेते हैं, सिद्धबलि हनुमान जी का नाम लेते हैं और इस सफर को शुरू करते हैं। और ये पता नहीं हम कैसे रास्तों से आ गए हैं। तो बेसिकली एक बाईपास दिखा था हमको, देख रहे हो बाईपास कैसे। ये देखो कितनी बड़ी गंगा जी, फुल एकदम मस्त पहाड़ दिख रहे हैं यार, फुल एकदम जंगल के बीच, दोनों तरफ नेशनल फॉरेस्ट, बीच बीच में बंदर आ रहे हैं, हालांकि बोट्स लगे हुए कि चीता देखेंगे हमको बट बंदर है तो मतलब चीता तो नहीं होगा आसपास। चीता है, लेपर्ड है, ध्रुपी है। और फिर कुछ 240 किलोमीटर दिल्ली से दूर बसे कोटद्वार में हम पहुंचे सिद्धबलि बाबा धाम के दरबार। तो इस धाम की महिमा कुछ ऐसी है कि यहां से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं वापस लौटता। तो और जो भी भक्तों की मन्नत पूरी होती है वो यहां पर भंडारे का आयोजन कराते हैं। और यदि आप आज चाहें बुक करने के लिए कि आपको भंडारा कराना है, आप आज कोई भंडारा बुक कराना चाहते हैं, तो आपको कुछ 5 से 7 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसी कुछ कृपा है हनुमान जी महाराज और सिद्धबलि बाबा। तो यदि आप भी आना चाहते हैं सिद्धबलि बाबा के धाम पर, तो आप कोटद्वार तक बस से भी आ सकते हैं और अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं। मेरी मानिए तो अगर आप लेंस डाउन जा रहे हैं तो जाते जाते माथा टेक के जरूर जाइए। तो यदि आप चाहते हैं कि और डिटेल में आपको ये दरबार के बारे में जानकारी मिले, तो आप मेरा लास्ट वीडियो, जो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। ट्रीज कितने प्यारे लग रहे हैं, यू सी दिस अमेजिंग। तो वी आर अबाउट टू रीच लेंस डाउन और ये इतना प्यारा भी हो गया है जो आप देख सकते हैं। और अच्छी खासी हाइट पे आ गए हैं। द बेस्ट पार्ट इज इवन ऑन अ सैटरडे देयर इज नो ट्रैफिक, मतलब कोई भीड़ नहीं है। तो इवेंचुअली वेरी लेस पीपल आर कमिंग एंड ऑल्सो रिजॉर्ट्स में भी बोल रहे हैं कि खाली है, तो अभी हमने आज सच कुछ बुकिंग नहीं कराई है। हम फाइनली बादलों में आ चुके हैं हम, और लैंड डाउन के बादलों में बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है इस टाइम, मस्त ठंड लग रही है। बेस्ट पार्ट ना यहाँ पर पीस तो है, रोड्स भी अच्छी हैं कंपेरेटिवली और सेफ फील होता है तुम कहीं भी चले जाए। बिकॉज अपने फौजी भाई हुआ हड़ाना इसने GMVN रिजॉर्ट इज अमेजिंग। तो अभी हम जहाँ पर हैं टिपिन टॉप के एकदम बाजू में है जगह, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी अगर आपको आसपास में घूमना है। दिस इज आवर ब्यूटीफुल स्टे दैट वी ऑप्टेड एट GMVN। तो ये मचान है, दिस वन इज आवर्स, लेट मी शो यू।
और फिर अपने मचान में चेक इन करके हम पहुंच गए लेंसडाउन के सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट पे, जो है टिपन टॉप। और मजे की बात तो ये थी कि हमारे होटल का गेट और टिपन टॉप की एंट्री दोनों एक ही जगह थी। यदि आसमान में बादलों का प्रकोप ना हो तो ऑन अ क्लियर डे आपको यहाँ से फेमस हिमालयन पीक दिखाई देते हैं, जैसे नंदा देवी, नंदा कोट, चौखंबा, त्रिशूल, कामेत। लेकिन लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर आपको ये सब देखने को मिल जाए तो किस्मत वाले ही हों आप। इससे बढ़िया SBI बैंक देखा कहीं? क्या मस्त जगह पर बैंक बना हुआ है, उधर पूरी वैली और यहाँ पर, एंड दिस इज द बेस्ट व्यू। सो इन पास्ट दीज इयर्स लेंस डाउन में बहुत कुछ आ गया यार, मस्त लग रहा है अभी तो। द होम ऑफ वीर गढ़वाल्स इज पौना ऑफ उत्तराखंड, स्पीक्स ऑफ उत्तराखंड, फिंसी, चौखंबा, नंदा देवी, भागीरथ। और फिर गार्डन में थोड़ा फोटो सेशन करके हम निकल पड़े भुल्ला ताल की ओर। मस्त ना झूला ये तो। बेसिकली गाइज, इफ यू कम टू दिस प्लेस भुल्ला ताल एंड लेंस डाउन, तो आपको इसका एंट्री टिकट लेना ही पड़ेगा, दैट इज 150 रुपीज। बोटिंग करनी है या नहीं करनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, बोटिंग उसमें इंक्लूडेड है। सो द एंट्री टिकट इज 150 रुपीज और उसमें आपका बोटिंग इंक्लूडेड है। तो गाइज, नो डाउट दैट द प्लेस इज ब्यूटीफुल, अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, लाइक इफ यू सी दिस इज अ बेकरी, इफ यू सी एंड नोटिस ये सब बंद है, बेकरी बंद है, आइसक्रीम पार्लर बंद है, वहाँ मग प्रिंटिंग का है वो भी बंद है, तो सब कुछ क्लोज है। बाहर टिकट काउंटर पर लिखा है दैट यू नो एवरीथिंग इज देयर। दिस इज रियली ब्यूटीफुल गाइज, जस्ट लुक एट दिस प्लेस। If you are planning to come to Lansdowne, then don't miss this place. It's beautiful to spend some time with family. और फिर शाम ढलते ढलते मार्केट का एक राउंड लगाया, थोड़ी लोकल वाली फील ली और फिर वापस निकल पड़े अपने होटल के लिए। और फिर सुबह सुबह 5:30 बजे निकल पड़े उगते हुए सूर्य देवता को प्रणाम करने। तो दिस इज नॉट अ बस, ये बेसिकली कैरावान है दो, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी मिलता है दैट यू वांट टू स्टे इन अ कैरावान।
और बेस्ट पार्ट है कि यहाँ से आपको सीधा वैली व्यू मिलता है पूरा, इज अमेजिंग। और अभी तो सनराइज होना बाकी है, हम थोड़ा 15-20 मिनट पहले ही आ गए। ये बर्ड बेस्ट पार्ट विच आई फेल्ट इज दैट ऑफ दिस प्लेस कि यार यहाँ शांति है। मतलब आप वीकेंड पे आए हो तो भी ना बहुत पीसफुल है। आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस यहाँ लोग कम आते हैं इज रास्ते, थोड़ा सा इंटीरियर, मतलब वो बिजनौर नजीबाबाद वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी रास्ते खराब है तो रोड ना कुछ खास नहीं है, इसलिए हमको भी आज जल्दी निकलना पड़ेगा सो दैट वी कैन मतलब थोड़ा अच्छे रास्ते पे आ जाए जल्दी। सो आई विल शो यू द वे ऑन द वे बैक टू होम। हर हर महादेव बोलते हुए निकल चुके हैं और ये है पॉइंट जहाँ पर टिफिन टॉप की एंट्री है और पार्किंग की। बाइक गाड़ी कैसे लगा दी है यार, ये फिर हम पहुंचे सेंट मेरीज चर्च जो 1895 में ब्रिटिशर्स ने बनवाया था और अभी कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन की वजह से ये फिलहाल के लिए बंद करा हुआ है। कुछ तो काम चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है या क्या चल रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस जहां लोग आते हैं लेंसडाउन में घूमने। जस्ट अपोजिट टू चर्च यहाँ पर ये एक बैठने की जगह है मस्त। दिस इज द व्यू, पूरी वैली दिख रही है वहाँ पर, वो जो है रिखल गुमखल आगे और ये सब। यहाँ एक ट्रैवल कैफे है सो वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर। लेट्स सी, मेन्यू में देख के तो बहुत अब एक्साइटिंग लग रहा है, फोटोज में भी अभी खुला होगा या नहीं खुला होगा वो देखना पड़ेगा, बट इट्स नाइस। यहाँ पर वॉक करने में ना बड़ा मजा आ रहा है। ये कैफे लैंसडाउन के मोस्ट रिकमेंडेड प्लेसेस में से था तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ट्राई किया जाए। और इस कैफे की जो वाइब थी ना वो बहुत ही रेट्रो वाली वाइब थी, जो यहाँ पर आपको पुरानी बुक्स का कलेक्शन मिलेगा, सोवेनियर्स का कलेक्शन मिलेगा, पुराने लेजेंडरी आर्टिस्ट का जैसे कर्ट कोबेन, जिम मॉरिसन, स्लैश और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट के फोटोज लगे हुए थे। सो आई थिंक आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू कम अगेन टू दिस प्लेस।
फिर हम पहुंचे दरवान सिंह संग्रहालय, जहां गढ़वाल राइफल्स की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पता चले। पर यार रोंगटे खड़े हो गए अंदर में, घूस बंप आ जाते हैं जब आप म्यूजियम में जाते हो। यू सी एवरीथिंग, यू रीड अबाउट द स्टोरीज ऑफ द मार्टियर्ड हीरोज, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, जसवंत सिंह रावत, उनके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन था। जो 72 आवर्स तक ही फॉट अगेंस्ट द चाइना सिंगल हैंडेडली, उन्होंने मैन करा था पूरा बॉर्डर को। और आज उनकी स्पिरिट रहती है जसवंतगढ़ नाम की एक जगह, वहाँ पर एक श्राइन है, तो वहाँ पर उनके नाम से उनका पूरा इज बिलीव्ड कि आज भी वो वहाँ पर हैं और वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगेन गढ़वाल राइफल्स, थैंक्स, मजा आ गया यार। कुछ बात क्यों मैं सोचूं, दिन है रात है, क्यों मैं जानूं के ना, एक यही सवाल है अंदर में, इंतजार है। जल अकेले हैं पर गुलजार हैं, इन कुछ कमियों के साए में आजाद हैं। रोड कंडीशन काफी खराब है अभी, तो जो लोग भी लेंस डाउन आने का सोच रहे ना, माय वन सजेशन इज कि भाई कोशिश करना ही रहता वाटरफॉल, जो भी करो दिन में करना, आना जाना सब दिन का प्लान बनाना, रात को तो बहुत ही बेकार रास्ता है। मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है मेरा तेरे आगे, मकबूल थी। और उत्तराखंड से यूपी एंटर करते ही आपको मिलते हैं एकदम घने जंगल, और यहाँ के रास्ते भी कुछ खास नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रात को यहाँ ट्रैवल करना अवॉइड करें। तो मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली से लेंसडाउन आ रहे हो तो दोपहर 2 बजे तक आप दिल्ली से निकल जाओ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद ये जगहें ठीक नहीं है, क्योंकि गड्ढे बहुत है पूरे रास्ते में। तो भाई दिल्ली से यहाँ पहुँचने के कई तरीके हैं। पहला तरीका आप प्राइवेट कार से आ सकते हो, दूसरा तरीका है बस से आ सकते हो दिल्ली से कोटद्वार तक, तीसरा तरीका है कि आप ट्रेन से भी आ सकते हो दिल्ली से कोटद्वार तक। पर ये दोनों ही केसेस में आपको प्राइवेट टैक्सीज कर सकते हैं या फिर आपको शेयर टैक्सी करनी पड़ेगी जो कोटद्वार से लेंसडाउन ले जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज पर सीट चार्जेस होगा। और फिर अपने आखिरी ब्रेक के लिए हम रुके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। ये इकलौता फूड कोर्ट है जो पूरे रास्ते में आपको मिलेगा, एक और फूड कोर्ट जो नया बना है मेरठ बाईपास पे, सिर्फ ये 2 फूड कोर्ट आपको पूरे लेंसडाउन के रास्ते में मिलेंगे, तो वो इस बात का ध्यान रखें।
और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट करिए क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, इससे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा और ऐसी और नई वीडियोज़ मैं आप तक ला पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।